सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश ने हमारी एरो स्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को कैबिनेट की अनुमति मिली है, जिसके अंदर एरोस्पेस रिलेटेड और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। आज के दिन लगभग 3% हमारे जीडीपी का डिफेंस प्रोक्योरमेंट में खर्च होता है, और आज भी डिफेंस के हमारे जितने कह दीजिए इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, चाहे प्लेन्स के हों, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट के, चाहे नेवी के हों, वो इम्पोर्ट होते हैं। और पिछले दिनों हमने यूक्रेन और रशिया में जो क्राइसिस देखे हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करना प्रधानमंत्री का भी सपना है, और उनने भी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हमेशा ये कहा है कि डिफेंस प्रोडक्शन अगर हमारे खुद के देश में हो तो सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगी और दूसरों पे डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। और उसके उपरांत एक बड़ा कदम हरियाणा ने उठाया है, खास तौर पर जो हमारे 5 एयर स्ट्रिप्स हैं, पिंजौर का, करनाल का, नारनौल का और भिवानी का, इसके 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो 5% उसका कैपिटल कॉस्ट का सरकार रीइंबर्स करेगी, जो कि 10 करोड़ तक की वैल्यू का होगा। और उसके साथ हिसार एविएशन हब के पास कोई प्रोडक्शन करता है तो 25 किलोमीटर तक हम 20 करोड़ तक की 5% की कैपिटल का उसको स्टेट से वापस रिफंड करने का काम करेंगे। उसके साथ जो हमारे बी सी डी ब्लॉक्स हैं उसके अंदर भी SGST का बी के अंदर 50, 75 सी के अंदर और डी ब्लॉक के अंदर कोई अगर डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करता है तो 100% तक का SGST का 6 साल, 8 साल और 10 साल तक का हम रिफंड करने का काम करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आज पूरे दुनिया ड्रोन्स के ऊपर काम कर रही है और हरियाणा भी उसको बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है, और हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर हम हिसार एविएशन हब के साथ साथ एविएशन मैन्युफैक्चरिंग, खास तौर पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करके काम करेंगे। इस पॉलिसी से मेरा अनुमान है कि हम अगर सक्सेसफुली हिसार एयरफोर्स जो हमारा एयरपोर्ट है उसके साथ इसको लिंक कर पाए तो हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे इम्पोर्ट्स अप टू $1 बिलियन, और एक बहुत बड़ी इसको हम अचीवमेंट मानेंगे कि हमने इंटरनेशनली एक एविएशन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हरियाणा की धरा पर लाने का काम किया। हमारा जो एयरपोर्ट का काम है वो लगभग मिड स्टेज में है, रनवे कंप्लीट होने की कगार पे है, जो नाइट लैंडिंग इक्विपमेंट्स हैं वो इन प्लेस है और जल्द उसका भी कार्य संपन्न हो जाएगा। और मेरा मानना है कि जो हमने टारगेट डेट ली थी इस अंत से पहले पहले उसको पूरी तौर पर इस वर्ष के अंत तक एक्टिवेट करने की, उसको हम अचीव कर पाएंगे। और ये जो पॉलिसी है ये एक बहुत बड़ा थ्रस्ट एविएशन सेक्टर को हरियाणा में देने का काम करेगी। लगभग 25 एकड़ का गुड़गांव के अंदर हमने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेज दिया है कि हम 25 एकड़ के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा हेली हब गुड़गांव का जो हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर बनाएंगे, जिससे जो लोकल कनेक्टिविटी वाले हेलीकॉप्टर है नॉर्थ इंडिया की वो बेहतर हो, चाहे वो हमारे चारधाम कनेक्टिविटी हो, चाहे वो बिजनेस कनेक्टिविटी हो। और जैसे जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज के दिन हम देख रहे हैं कि
क्लॉगिंग बढ़ रही है, जेवर के ऊपर भी केंद्र सरकार का फोकस है। हेलीकॉप्टर्स के लिए एनसीआर रीजन का हब गुरुग्राम में हम बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी जो पॉलिसी है इसका थ्रस्ट सेक्टर हमारी पांचों की पांचों एयर स्ट्रिप जो स्टेट ओन्ड है वो रहेगा, और मेन जो कार्य रहेगा वो अल्टरनेट प्रोडक्शन जो है मेक इन इंडिया के तहत उसके ऊपर हम काम करेंगे। साथ में मैं टच करना चाहूँगा, प्रोक्योरमेंट प्रदेश भर में चल रही है, बड़ी सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट सीजन रहा है। लगभग जितना अनाज हमारी मंडियों में आया 100% लिफ्टिंग आज के दिन हो चुकी है, और गोदाउन भी और एफसीआई के रैक्स के माध्यम से दूसरे प्रदेशों के भंडारणों में भी उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। पिछले साल के कंपैरेटिव प्रोडक्शन में कमी आई है, और जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो लगभग पिछले साल से अगर कंपेयर करूँ तो 50% के बराबर है। इसके अंदर फार्मर्स ने होल्ड भी किया है, दूसरे प्रदेशों से जो अनाज आता था वो भी इस बार नहीं आया, और तीसरी चीज कि इस बार जो वीट की क्वांटिटी झाड़ जिसको बोलते हैं वो भी कम आया है। मगर लगभग 7330 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डिपॉजिट कर दिया है, जो कि 99.5% ऑफ टोटल प्रिक्योरमेंट है। 8 करोड़ रुपया ऐसा है 268 किसानों का जो बाउंस बैक कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी को दिक्कत आई है तो मंडियों में आज के दिन भी ऑफिसर्स तैनात हैं जो अकाउंट रीवेरीफाई कर पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। ये फैसला हमने लिया है कि प्रिक्योरमेंट जो है, क्योंकि अब मंडियों में अनाज नहीं आ रहा और 15 मई तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिक्योरमेंट की हमें परमिशन दे रखी है, हम 10 तारीख से परसों से फेज आउट करना शुरू करेंगे। जितने हमारे प्रिक्योरमेंट सेंटर्स चल रहे हैं उसको धीरे धीरे 5 दिनों के अंदर हम शटडाउन करेंगे, और जो हमारी बड़ी मंडियाँ हैं, जो हमारी प्राथमिक मंडियाँ हैं, उनको हम 15 तारीख तक पूरी तौर पर एक्टिव रखने का काम करेंगे। एक खुशी की बात है कि इस बार मस्टर्ड पिछले साल से 1.5 लाख हेक्टेयर में ज़्यादा उगाई गई थी, मगर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मंडी के अंदर सिर्फ 8 किसान सरसों को लेकर आए, और 8 किसानों की सरसों का हमने ऑक्शन किया और MSP से ज़्यादा ही मार्केट के अंदर उसके भी बायर थे। तो सरकार को एक दाना भी MSP पे आज के दिन सरसों का नहीं खरीदना पड़ा। प्राइवेट के अंदर 1500 से 2000 रुपए MSP से ऊपर हमारी सरसों बिकी है। जहाँ पर दालों की बात आई है, दालें भी इस बार हमारी डेजिग्नेटेड 24 मंडियों में हमने प्रिक्योरमेंट खोली थी, वहाँ भी किसी प्रकार की भी दाल का आना नहीं हुआ, और जो हमारी क्रॉप्स थी उसके अंदर भी व्यवस्था बनी रही। मंडियों में क्रॉप्स जरूर आई मगर प्राइवेट बायर्स ने उसको भी टाइम अनुसार खरीदने का काम किया है। जहाँ बात GST कलेक्शन की है, पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाटा भी निकाला है, और हरियाणा 5वें नंबर पर देश में रहा है जिसने GST कलेक्शन में एक इंक्रीज रिकॉर्ड दिखाया है। पिछले वर्ष के कंपैरेटिव इस साल हमारे पास लगभग 16% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 30,507 करोड़ रुपया स्टेट में GST कलेक्शन था, और इस वित्त वर्ष के अंदर 35,390 करोड़ रुपए के आसपास हमारा कलेक्शन हुआ है। मगर जो पॉजिटिव चीज़ देखने वाली है, टोटल कनेक्शन हुआ है जिसमें IGST भी जाएगा, जो दूसरे प्रदेशों के अंदर प्रोड्यूस होकर चीज़ें गई है उसका रिफंड है। मगर जो हरियाणा का SGST कलेक्शन है, जो हमारे स्टेट के खाते में पैसा रहता है, वो पिछले वर्ष 11,959 करोड़ था, और इस वित्त वर्ष के अंदर 15,115 करोड़ रुपया वो GST कलेक्शन है। और मैं ये मानता हूँ कि
जो कलेक्शन है ये डायरेक्टली स्टेट को बेनिफिट करता है। इसके अंदर हमने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए, हमने स्पेशल टीम्स जीएसटी की चोरी के लिए कॉन्स्टिट्यूट करी। हमारे एक एडिशनल ईटीसी की अध्यक्षता के अंदर हमने 12 से 15 अधिकारी नियुक्त किए जो स्पेशली इसको मॉनिटर करते थे। प्लस एक बेनिफिट ये हुआ है कि पहले हरियाणा मॉड्यूल 1 प्रदेश था, हमने उसको चेंज कर मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट किया, और उससे जो एक डिले आता था केंद्र से डाटा रिसीव होने का लगभग 14 दिन का, वो डिले रियल टाइम में कन्वर्ट हुआ। अगर आज हमें कोई डाटा किसी भी प्राइवेट फर्म का जो दूसरे प्रदेशों में है उससे कंपेयर करें तो हमें जल्दी उपलब्ध भी हो जाता है। प्लस हमने लगभग 30 करोड़ की लागत से जितने हमारे जो जीएसटी के ऑफिसेज थे प्रदेश भर में उन सबको अपग्रेड किया, वहाँ इंटरनेट बैंडविड्थ बढ़ाई, वहाँ पर जो कंप्यूटर्स थे उनको अपग्रेड करने का काम किया, नया जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अवेलेबल थे उनको अडॉप्ट किया, और धीरे धीरे कर स्कैनिंग कर जो लोग टैक्सेशन के अंदर कहीं वॉयलेशन करते थे उनको पकड़ा, और ये जो मात्रा बढ़ी है ये उसका नतीजा है। और लगभग अगर हम ओवरऑल कलेक्शन आज 35,000 करोड़ पे पहुँचे तो हमारा टारगेट है कि अगले वित्त वर्ष के अंदर हम इसको 40,000 करोड़ तक ले जाने का काम करेंगे, जिससे जो इस साल हमें उम्मीद तो नहीं है, हम भी केंद्र से चर्चा में हैं कि जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है उसको और 3 साल की वृद्धि दी जाए, मगर जब जीएसटी बना था तो कॉम्पनसेशन सेस 5 साल के लिए, अगर वो नहीं बढ़ता तो हम सेल्फ डिपेंडेंसी की और बढ़ने का काम करेंगे। साथ में एक निर्णय और लिया है कि हमारे सारे जो ऑफिसर्स आज डील करते हैं ईटीओ एटीओ लेवल पर टैक्सेशन को, उनको भी हम गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम की मदद से एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप उन ऑफिसर्स का लगाएंगे, जो कि 2 अलग अलग जगह चलेगा, हिपा के अंदर और हमारे यहाँ ट्राई सिटी रीजन के अंदर, जहाँ भी हमें इंस्टीट्यूट मिलेगा, जहाँ की यूनाइटेड किंगडम के ऑफिसर्स आकर, क्योंकि जीएसटी उनके पुराना प्लेस है, वो आकर हमारे ऑफिसर्स के साथ चर्चा भी करेंगे, उनको इक्विप और ट्रेन भी करेंगे समय अनुसार अपग्रेडेशन के अंदर, कि आज जीएसटी को और कैसे हम मॉनिटर करें, कैसे टैक्स की जो इवेजन है उसको रोकने का काम करें। साथ में हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीएसटीएन के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स अवेलेबल हैं उनको भी इंडक्ट करने का निर्णय किया है, और जल्द उन टूल्स को भी हम प्रदेश के अंदर लाने का काम करेंगे। पिछले कैबिनेट के अंदर हमारी 2022-23 की एक्साइज पॉलिसी भी आई है, और आप सब ने उसको देखा भी समझा भी कि हमने पिछले 2 वर्ष में क्या क्या ऐतिहासिक कदम उठाए जिससे हम लीकेज बोल सकते हैं जो होती थी उसको रोक पाए और हमारा रेवेन्यू बढ़ा। आज के दिन जो लास्ट ईयर हम लगभग 6400 करोड़ पे थे उसको हमने इस साल 7938 करोड़ पे पहुंचाने का काम किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इस साल का हमने टारगेट लिया है कि हम उसको भी बढ़ाकर 9200 करोड़ तक ले जाने का काम करेंगे। इसके अंदर क्योंकि दिल्ली की पॉलिसी पिछले दिन आई थी और उनने रेट्स में बहुत स्लैशिंग करी थी, हमें जरूर ड्यूटीज़ कम करनी पड़ी, रेट्स कम करने पड़े, मगर प्रदेश के अंदर हमने 100 वेंड्स कम करने का भी निर्णय लिया। जिन गांव के हमारे पास पिछले साल प्रस्ताव आए थे जब सरपंच मौजूद थे या जिन गांव ने ग्राम सभा करके आज हमें भेजा है, उन गांव के अंदर भी हम वेंड्स को बंद रखने का काम करें, और उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। लास्ट ईयर जैसे पॉलिसी का एक पार्ट था जो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि हम डिस्टिलरीज के अंदर CCTV कैमरा लगाएंगे, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि हमारी तमाम डिस्टिलरीज, तमाम बॉटलिंग प्लांट्स, तमाम जो वेयर हाउसेज हैं L1 और L13 उनके अंदर CCTV कैमराज आज इंस्टॉल्ड हैं, 24 आवर मॉनिटरिंग हेड ऑफिस तक हम कर सकते हैं। साथ में जो फ्लो चेन होती थी उसमें अब फ्लो मीटर लगाए जाएंगे, जिसमें हमें जो मेरा अनुमान है 98% तक एक्यूरेसी
प्रोडक्शन टू बॉटलिंग तक की रिकॉर्ड हम कर पाएंगे। इस बार दो नई चीज जो हमने लास्ट पॉलिसी में रखा था उसको इम्प्लीमेंट हम कर देंगे। पहली चीज QR कोडिंग के साथ ट्रैक एंड ट्रेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ सेल। हमारे पास एक एक चीज मॉनिटरिंग में रहेगी। हमारे जितने वेंडर्स होंगे प्रदेश के में, उनके अंदर QR रीडर्स POS सिस्टम हम लगवाने का काम करेंगे और उनको भी CCTV मॉनिटर करवाने का काम करेंगे। प्लस जितने हमारे आगे बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो लाइसेंसीज हैं हमारे, उनको भी POS सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे कि उनका डाटा भी हमारे ऑफिस में रियल टाइम रिकॉर्ड रहे और कहीं कोई इलीगल सेल होती है तो उसको तुरंत हम मॉनिटर कर पाएंगे। साथ में हमने एक टारगेट लिया है कि जितनी हमारे लेबल्स थे उनको अगर कहीं भी कोई डिफॉल्ट नहीं है तो उनको ऑटो रिन्यूअल की ओर लेके जा रहे हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड लंबे समय की। उसके साथ अगर कोई भी लेबल इलीगली सेल करता पकड़ा जाता है, नकली होलोग्राम या QR के साथ पकड़ा जाता है और प्रूव हो जाता है, तो आगे से उस ब्रांड के लेबल अप्रूवल प्रदेश में पूरी तौर पर बंद कर देंगे कि वो ब्रांड्स हमारे प्रदेश में क्योंकि इलीगल सप्लाई में पकड़े गए फिर आने वाले भविष्य के अंदर वो सेल ना हो पाए। साथ में एक निर्णय और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पटवार खानों की ओर पिछले 1.5-2 दशक में कभी ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि पटवारी मॉडर्नाइज हो रहे हैं और पीछे भी गवर्नमेंट की ओर से डिजिटलाइजेशन की ओर कदम उठाया गया। इस बार ये निर्णय लिया गया है कि सारे पटवार खानों को अपग्रेड किया जाएगा, सारी तहसीलों को अपग्रेड किया जाएगा और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस वर्ष के अंदर जैसे हमने नंबरदारों को मोबाइल फोन्स के साथ इक्विप करने का निर्णय लिया है, पटवारियों को भी हम आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन की ओर इक्विप करेंगे। पहला कदम उसमें ऑलरेडी उठाया गया है और इस फसल जो अगली आएगी उसमें हम इम्प्लीमेंट कर देंगे कि अगर फसल खराबा होता है तो फसल खराबे के अंदर किसान को भी रिपोर्टिंग की पावर मिलेगी और वो डिजिटली मिलेगी कि वो अपने मोबाइल से GPS कोऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट करता हुआ अपनी फसल खराबे की रिपोर्ट को अपलोड कर दे और अपलोड करने के उपरांत पटवारी को भी हम डिजिटली अपग्रेड करेंगे, चाहे टैब्स के या मोबाइल सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कि वो भी उस फील्ड में जाकर उसको रीवेरीफाई करेगा। जो पहले कंप्लेंट आती थी कि भी पटवारी विजिट नहीं करते, वो कंप्लेंट्स फिर ऑटोमेटिक मोड पे आकर ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो अब रिकॉर्ड है पिछले दिनों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आत्मनिर्भर भारत पीएम का सपना। उप मुख्यमंत्री का बयान, डिफेंस और एयर स्पेसिंग योजना को कैबिनेट की मंजूरी, हरियाणा में भी एयर स्पेसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गुरुग्राम में 25 एकड़ का सबसे बड़ा एक एकड़ के बयान हम आपको बता रहे हैं उप मुख्यमंत्री का। केंद्र सरकार को इसका प्रपोजल दे दिया गया है। दुष्यंत चौटाला का बयान, चार धाम कनेक्टिविटी को लेकर काम कर रहे हैं, दूसरे राज्यों से हरियाणा की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, ये भी यहां पर बात कही गई। मंडियों को लेकर उन्होंने कहा कि मंडियों में लिफ्टिंग हो रही है, दूसरे राज्यों से अनाज की आपूर्ति कम हुई है। तो ये बयान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का सामने आया है। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही, नमस्कार।